एमपी में काबा और मैडम बहुत कुछ बा, देखने का मन हो तो फिर यहाँ आवा। एमपी में बहुत वाह। एमपी अजब है, सबसे गजब है। यूपी में बैठकर ही हवा में ना गावा, एमपी में आवा, तनिक एमपी में आवा। तो साहब एक बार फिर से यूपी की लोकगीत गायिका नेहा सिंह चर्चा में है। चर्चा, मध्य प्रदेश की सियासत पर अपने लोकगीतों के माध्यम से निशाने पर लेने को लेकर। नेहा सिंह कब लोक कलाकार से विपक्षी पार्टियों का भोंपू बन गई साहब, शायद उन्हें भी पता ही ना चला। जहां इलेक्शन वहां नेहा सिंह की मौजूदगी हो ही जाती है। अब मध्य प्रदेश में एंट्री मारी है सीधी के मूत्रकांड को लेकर एक पोस्ट करने से। हालांकि उस मामले में शिकायतों की बाढ़ सी आ गई, लेकिन नेहा ना रुकी और अब एक लोक गीत में मध्य प्रदेश की सियासत को पिरोकर फिर से लौटी है। कांग्रेस के नेताओं ने भी जमकर इस गीत को शेयर किया। हालांकि इस बार ना तो लोक गीत का पोट है और ना ही शब्दों में ठोसपन, साफ साफ पॉलिटिकल एजेंडा नजर आता है गुरु। मतलब लोक कलाकार की तरह नहीं बल्कि पेड विपक्षी कार्यकर्ता के रूप में। खैर यूपी में मामला नया था तो नेहा भाई जमकर चमक गई गुरु, लेकिन अब गीतों के पीछे की सियासी मंशा साफ हो चुकी है और ऐसे में मध्य प्रदेश में सफलता ना मिले बा। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।